माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मास फूड कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड का डेजर्ट लाई हूँ। ये सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगा और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैंसी और खूबसूरत है। खाने में भी ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है, इसे हर कोई बना सकता है बड़ी ही आसानी से। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए बनाते हैं हमारा टेस्टी डेजर्ट। इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से जो तोच होते हैं वो लिए, करीब 7-8 तोच होंगे। आप इसकी जगह रस्क भी ले सकते हैं या फिर ब्रेड भी ले सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं तोच ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई में करीब 200 मिलीलीटर यानी कि 250 ग्राम से थोड़ा सा कम जो है दूध ले रही हूँ और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। और यहाँ पे हम शक्कर नहीं डालेंगे। हमारी हेल्दी जो मिश्री होती है धागे वाली, वो यहाँ पे मैं करीब 2.5 से 3 टेबलस्पून डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक कटोरी में नॉर्मल टेम्परेचर का दूध थोड़ा सा ले लिया है मैंने, करीब 3 से 4 टेबलस्पून। और इसमें मैं आप करीब 3 टेबलस्पून वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डालूंगी और 2 टेबलस्पून करीब मिल्क पाउडर डाल दूंगी। और इसको हम अच्छे से फेंट के और थोड़ा सा इसका चिकना सा घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। ये हमारा घोल बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमारा दूध भी अच्छे से बॉयल हो चुका है और मिश्री भी जो है इसकी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसमें। अब यहाँ पे जो हमारा ये कस्टर्ड का मिश्रण है वो हम दूध में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट हमें पकाना है और हमारा मिश्रण जो है बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा मिश्रण गाढ़ा हो चुका है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसे हम थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बर्तन ले रही हूँ और उसमें मैं नीचे ज़रूरत के हिसाब से तोस जो है एक एक लेयर जो इसकी अच्छे से फैला दूंगी। अब जो हमारा कस्टर्ड है वो यहाँ पे मैंने थोड़ा गुनगुना लिया है और इसको मैं अच्छे से पूरा पोर कर दूंगी, पूरे तोश अच्छे से कवर हो जाए इस तरह से। ये देख सकते हैं हमारा तोश अच्छे से कवर हो चुके हैं। आप चाहें तो इसकी डबल लेयर भी कर सकते हैं, मैं सिंगल लेयर रख रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने व्हिप्ड क्रीम ले लिया है और उसमें एक नोजल लगा ली है और इस तरह से मैं उस पर सब दूध डाल दूंगी, जिससे कि एकदम हमारा डेजर्ट जो है फैंसी लुक आएगा। अगर आपके पास नोजल ना हो तो आप सिंपल लेयर भी लगा सकते हैं इसकी। अभी हमने अच्छे से पूरा इस पर डिज़ाइन बढ़िया डाल दी है और मैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ ताकि हमारा डेजर्ट एकदम बढ़िया फैंसी लगे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर ही हमारा डेजर्ट रेडी हो जाता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पिस्ता जो है बारीक कतरा हुआ डाल दे रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ से इसे गार्निश कर सकते हैं और इसे आप जैसे चाहें वैसे नॉर्मल टेम्परेचर का या फिर ठंडा फ्रिज में रख के और जैसे मन हो आप वैसे खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यम्मी भी लगता है और इतना ईजी है कि इसे आप आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आपके सजेशन का भी मुझे वेट रहता है, तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है हमारा डेजर्ट। अभी ये तुरंत मैं आपको तोड़ के बताऊँगी। तो ये हल्का सा क्रिस्प है, ये क्रिस्पी भी बहुत टेस्टी लगता है और थोड़ी देर बाद ये तोस जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। दोनों ही तरह से ये बहुत ही बढ़िया लगता है, तो आप जैसे चाहें वैसे इंजॉय कर सकते हैं, सॉफ्ट या फिर क्रिस्प। और फ्रेंड, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मम्मास फूड कॉर्नर। थैंक यू।